हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए साउथ इंडियन स्टाइल आलू फ्राई रेसिपी, क्योंकि साउथ वाले लोग ना थोड़ी अलग तरीके से बनाते हैं और बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से। तो चलिए आप लोग भी वीडियो देखिए और इस तरीके से आलू फ्राई करिए, टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने छोटे वाले साइज के आलू, बहुत बड़े बड़े साइज के नहीं लेने, आप देख सकते हैं। अगर छोटे साइज के मिल जाते हैं तो काफी अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बड़े वाले भी आलू बॉईल कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा टुकड़ों में आपको कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिया है मैंने आधा किलो आलू, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। कुकर में ही मैं इसको सीटी दूंगी, एक से दो सीटी हमें देना है। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है और अब यहाँ पे देंगे सीटी। तो सीटी आप कम आंच पे ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे आलू को अच्छे से फ्राई होने दीजिए, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा कम ही करना है, जिससे कि आलू की भुजिया काफी अच्छी बने। तो यहाँ पे आलू देखिए फ्राई हो गया है, तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। आलू को निकाल के पहले ठंडे पानी से धो लेंगे, जिससे कि छिलने में बहुत आराम रहता है। अब यहाँ पे सारे आलू को छिल लेना है। जो बड़े बड़े साइज के थोड़े से आलू लगे तो उसे हमें आधे कट में या फिर चार पार्ट्स में आप कट कर लें, जिससे कि साइज थोड़ा एक बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिया है मैंने कढ़ाई, में डालूंगी मैं नारियल का तेल, आप चाहे तो कोई सरसों का तेल या कोई और अदर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो डाल देंगे जीरा, जीरा हल्का सा लाल हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट डाल देंगे कड़ी पत्ता और यहाँ पे लाल मिर्च। अगर आप साउथ इंडियन स्टाइल बना रहे हो तो बिना कड़ी के तो कोई चीज बनने वाली है नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब ये हल्के हल्के से भुन जाए तो डाल देंगे एक चम्मच उड़द की दाल, छीली हुई उड़द की दाल आपको एक चम्मच डालना है, और एक चम्मच डाल देंगे चना दाल, इससे ज्यादा नहीं डालना है, इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग आता है। अब यहाँ पे डाल दिया मैंने हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी लंबे लंबे कट करके मैंने डाला है। तो अब इसे हल्का हल्का सा भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि दाल जो कि आधा रेड कलर ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा भून के हल्का सा सुनहरा लाल कलर का ना हो जाए। तो इसे हमें धीरे धीरे तेज आंच पे भी आप इसे भून सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसको चलाते रहिए। तो यहाँ पे देखिए दाल जो है अच्छे से भून रहे हैं और बाकी सब चीजें कितने अच्छे से कलर, मतलब कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दाल हल्का हल्का सुनहरा सा लाल हो गया है। अब यहाँ पे डाल दिया है मैंने हल्दी, हल्दी डाल के तेल में अच्छे से पका लेना है एक सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे हल्दी डाल देने के बाद, अब इसे पकाने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम लोग आलू। तो आलू हमें सारा का सारा एक बार में ही डाल देना है और इसे हमें धीरे धीरे चलाना है। नीचे के साइड से जब भी आलू आप फ्राई करिए, कोई भी तरह का आलू आप फ्राई करिए ना, तो नीचे साइड से आपको चलाना है, ऊपर साइड से नहीं चलाना है। ऊपर साइड से अगर आप चलाएंगे ना तो आलू फिर टूटने लगेंगे, तो आपको नीचे साइड से बस चलाते हुए ऊपर उठाना है। तो यहाँ पे देखिए सारा हल्दी आलू जो भी था सब मिल गया है आलू में। अब इसे हमें धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का सा हमें इसे भुनना है। साथ ही साथ में यहाँ पे डाल दिया है मैंने नमक, नमक को भी धीरे धीरे इसके साथ हम मिला लेंगे। तो देखिए नीचे साइड से ही मैं चला रही हूँ, अगर ऊपर साइड से चलाएंगे ना तो आलू टूट जाएंगे। ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर ये मत बोलिएगा आप लोग कि आलू तो सारा टूट के चोखा बन गया, तो मेरी कोई गलती नहीं है भाई। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है क्या, जब हम आलू फ्राई करते हैं ना तो नीचे हल्का हल्का आलू पकड़ता है, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते हुए भुनना है, जिससे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आलू बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा और बहुत अच्छे से भुन जाएगा और तेल भी छोड़ देगा। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे आगे दिखाऊंगी, इसीलिए मैं वीडियो को ना थोड़ा सा, मेरा वीडियो लंबा जरूर होता है और मैं सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जिससे कि आपकी रेसिपी जब भी आप बनाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप मेरी वीडियो डिटेल में देखा करिए। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए बिल्कुल भी नीचे पकड़ नहीं रहा है और तेल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए आलू थोड़े थोड़े से भुन गए हैं। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मैं चला रही हूँ, नीचे साइड से ही चला रही हूँ, ऊपर साइड से मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया है, इस बात का भी आप लोग ध्यान दें। तो देखिए नीचे ऊपर साइड से देखिए मैंने हल्का हल्का चलाया था ना, तो हल्का हल्का सा आलू टूट गया था। तो धीरे धीरे भूनते भूनते देखिए आलूओं का कलर ऐसा हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे से भून लेना है, जिससे कि कलर थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक में आ जाए। अब यहाँ पे गैस बंद कर देना है और गैस बंद करके अब लास्ट में डाल देंगे नींबू का रस हल्का सा, इससे टेस्ट ना दोगुना हो जाता है। तो फिर यहाँ पे अब
नींबू को भी मिला लेना है। नींबू को पकाना नहीं है गैस पे, गैस को आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पे गैस बंद करके देखिए, मैंने नींबू डाल के सारे आलू में अच्छे से इसे मिला दिया है। तो लीजिए यहाँ पे आलू की भुजिया साउथ इंडियन स्टाइल यहाँ पे रेडी है। आप इसे इस तरीके से बना के एक बार खा के तो देखिए, फिर नेक्स्ट टाइम से आप कोई और आलू की भुजिया बनाएंगे ही नहीं, आप इसी तरीके से बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे देखिए मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। अगर आपको इसे खाना है तो आप पूड़ी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। रोटी पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बट पूड़ी के साथ ना बहुत टेस्टी लगता है ये फ्राई वाले आलू की भुजिया। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी है, अलग तरीके से है। इसमें दाल का हल्का हल्का फ्लेवर भी है, खट्टापन भी है, हल्का सा मतलब सॉल्टी टेस्ट भी आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग एक बार जरूर बना के बताइए मुझे भी कमेंट करके, और मैं आप लोग के लिए और क्या क्या नई नई रेसिपीज बनाऊं, और आप क्या चीज का वीडियो चाहते हैं मेरे से, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं उसका वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।